फिल्म की शुरुआत यान नाम के एक शख्स से होती है जो एक दूर के जंगल में जा रहा है। जंगल तक पहुंचने पर वो अपना फोन चेक करता है जिसमें कई मिस्ड कॉल हैं। यान कुछ देर सोचता है लेकिन आखिर में अपना सामान समेटता है और पैदल ही जंगल के अंदर चला जाता है। पता चलता है कि वो यहाँ अकेले हाइक पर आया है, शायद अपने दिमाग को शांत करने के लिए। वो धीरे धीरे घने जंगल से अपना रास्ता बनाता है और कभी कभी चीजों को देखने के लिए रुक भी जाता है। हमें पता चलता है कि यान एक रेगुलर हाइकर नहीं है क्योंकि वो पहले 10 मिनट में ही पूरी तरह थक जाता है। इसके अलावा उसने स्वेटर और जीन्स पहन रखी है जो कोई हाइकर अमूमन नहीं पहनता। यान कोई सेफ्टी शूज और मोजे भी नहीं लाया था, इसलिए अब उसके पैर भी दर्द करने लगे हैं। इसके बावजूद वो डटे रहता है और अपना सफर जारी रखता है। थोड़ा आगे पहुँचने पर यान को दूरी पर एक हाइकर जोड़ा दिखाई देता है। वे फोटो लेते और इंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। यान उन्हें देख चौंक जाता है और वो वही उनके चले जाने का इंतजार करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यान एक डिप्रेस्ड शख्स है जिसे दूसरे लोगों की कंपनी पसंद नहीं। जब वो इंतजार करते करते थक जाता है तो वो अपना रास्ता ही बदल लेता है और उन लोगों के नजर आने से पहले ही वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद यान को भूख लगती है, लेकिन जैसे ही वो कुछ खाने के लिए बैठता है वहाँ निकी नाम का दूसरा हाइकर आता है। निकी खुश मिजाज और बहुत बातें करने वाला शख्स है। वो यान पर ढेर सारे सवाल दाग देता है। यान उनमें से किसी का भी जवाब देने में घबराता है, लेकिन निकी बेपरवाह है। वो बेमतलब की बातें करता रहता है और उसे अजीबोगरीब चुटकुले भी सुनाता है। वो यान को झरने तक पहुंचने में साथ साथ चलने के लिए कहता है। यान के काफी मना करने के बावजूद आखिर में निकी यान को मना ही लेता है। अब दोनों साथ में आगे बढ़ने लगते हैं। सफर के दौरान निकी बात करना जारी रखता है, हालांकि उसे यान से ज्यादा जवाब नहीं मिलते। यान के बारे में उसे सिर्फ उसका नाम और उसके बिजनेसमैन होने का ही पता चलता है। कई घंटों तक चलने के बाद थका हुआ यान कहता है कि वो पेशाब करना चाहता है, लेकिन यान पेशाब का बहाना देकर उसे छोड़ ना जाए इसलिए निकी बस दूसरी तरफ मुड़ जाता है। फिर दोनों अपना सफर जारी रखते हैं जब तक कि वे जंगल के बीच में एक केबिन तक नहीं पहुंच जाते। वे वहां पहले से मौजूद एक जोड़े से मिलते हैं। इनका नाम मोनिका और ऑस्टिन है जो झरने की ओर ही जा रहे हैं। उस रात यान रसोई में मांस पका रहा था, तभी निकी वहां आता है। वो देखता है यान मांस को कच्चा ही प्लेट में उतार रहा है। वो यान को इसे ठीक से पकाने के लिए कहता है। यान मांस को वापस चूल्हे पर रखता है, लेकिन इस बीच चूल्हा जल जाता है। शुक्र है कि निकी और मोनिका बचाव के लिए आगे आते हैं और आग बुझा देते हैं। इस घटना के बाद शर्मिंदा यान अपना सामान उठाता है और चुपचाप केबिन से बाहर जंगल की ओर निकल जाता है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे दूर से कुछ दिखाई देता है। इससे वो बुरी तरह डर जाता है और तुरंत पीछे मुड़कर केबिन में वापस चला आता है। फिर वो ऑस्टिन से थोड़ी बातचीत करता है जो उसे ज्यादा समझदार और शांत दिखाई देता है। सुबह जब यान नाश्ता कर रहा होता है, निकी उससे थोड़ी बातचीत करने के लिए उसके पास आती है। पिछली रात जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद वो यान पर बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। निकी बताता है कि उसने बिना किसी शिकायत के सभी जले हुए बर्तन भी साफ थे। फिर निकी सबसे कहता है कि अब हम सब चारों एक साथ हाइकिंग पर निकलेंगे। लेकिन यान पैरों के दर्द का हवाला देकर मना करता है, लेकिन निकी उसे हाइकिंग मोजों की एक नई जोड़ी देकर उसे तैयार करता है। फिर चारों अलग अलग कहानियां और चुटकुले सुनाते हुए केबिन से एक साथ निकलते हैं। इस दौरान बातचीत में हिस्सा न लेने वाला एकमात्र शख्स यान ही है। जब वे बाद में लंच के लिए बैठते हैं तो ऑस्टिन बताता है कि उन्होंने पिछले दिन एक मरा हुआ जानवर देखा था, उसे किसी ने बर्बर तरीके से काटा था। ऑस्टिन जानना चाहता है कि ऐसा बर्बर शिकार भला कौन सा शिकारी कर सकता है। निकी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहां यान गहरी सोच में डूब गया है। बातचीत अब रिश्तों पर आ जाती है और यान से पूछा जाता है कि क्या उसकी कोई पत्नी है। यान सवाल से बचने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग उसे जवाब देने के लिए मजबूर करते हैं। आखिरकार यान बताता है कि उसकी एक पत्नी थी, लेकिन अब वे अलग हो चुके हैं। पूछताछ से तंग आकर वो पेशाब करने के लिए जंगल में चला जाता है, लेकिन जब वो पेशाब करने वाला होता है तो उसे पेड़ों पर खरोंच के निशान और खून दिखाई देता है। ये एक बार फिर उसे डरा देता है, इसलिए वो तुरंत दौड़कर अपने साथियों में वापस आता है। फिर चारों बिना किसी रुकावट के कई घंटों तक चलते हैं। एक पॉइंट पर यान को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे दूरी पर कुछ अजीब सी परछाई दिखाई देती है, जिससे वो काफी घबरा जाता है। वो फौरन सभी को बुलाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने भी इसे देखा है। हालांकि अच्छी तरह से देखने के बाद भी वे कुछ भी नहीं देख पाते। अब यान के इस अजीबोगरीब बर्ताव से धीरे धीरे ग्रुप के सभी लोगों को महसूस होता है कि यान अपनी जिंदगी में काफी परेशान और डिप्रेस्ड है। उसे बुरा न लगे इसलिए वे जानबूझकर कहते हैं कि हाँ कोई अजीब जानवर था वहाँ। निकी यहाँ तक है कि ये एक बकरी है जो शहर से भटक गई है।
घंटों बाद चारों जंगल के दूसरे केबिन में पहुंचते हैं। इस बार उन्हें कोई नहीं मिलता सिवाय किसी के दो बैकपैक के, लेकिन आसपास कोई नहीं था। इयान हमेशा की तरह बेवजह शक करने लगता है, लेकिन बाकी लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते और गिटार के साथ एंजॉय करने लगते हैं। उस रात इयान नींद न आने की वजह से इधर उधर भटक रहा था। निकी उससे बात करने के लिए उसके पास आता है। वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि इयान पूरे सफर के दौरान बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था। निकी उससे खुल के बोलने को कहता है। इस पर इयान बताता है कि वो कुछ निजी कारणों से बहुत उदास महसूस कर रहा है। निकी को उसके लिए बुरा लगता है, इसलिए वो उसे एक नींद की गोली देकर सोने चला जाता है। गोली लेने के बाद इयान पास में पड़े दो लावारिस बैकपैक्स को खंगालने लगता है। उसे इसके अंदर एक कैमरा मिलता है, जिसे वो बिना किसी हिचकिचाहट के चालू कर देता है। कैमरा में उसे दो लड़कियां दिखती हैं, जो जंगल में घूम रही हैं और अच्छा समय बिता रही हैं। लेकिन एक तस्वीर में इयान ने एक आदमी को दूर से उनकी ओर रेंगते हुए देखा। जब वो जूम इन करता है तो वो ये जानकर चौंक जाता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि निकी है। इयान और अधिक जानने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसे अचानक चक्कर आने लगता है। इयान को शक होता है कि निकी ने उसे नींद की गोली के बजाय ड्रग्स दी थी। वो मदद के लिए पुकारता है, लेकिन जल्द ही बेहोश होकर फर्श पर गिर जाता है। जब इयान सुबह उठता है तो वो खुद को एक कंबल से ढका हुआ पाता है ताकि वो बीमार न पड़े। इयान ऑस्टिन और मोनिका को कैमरा की फोटो को देखने के लिए कहता है, लेकिन कैमरे की बैटरी खत्म हो गई है। अब इयान निकी पर आरोप लगाता है कि उसने लड़कियों को बहला फुसलाकर एक शांत जगह पर ले जाकर उनकी हत्या की है। वो उन्हें ये भी बताता है कि निकी ने कल रात उसे नशीला पदार्थ दिया था, क्योंकि वो इस सच्चाई को छुपाना चाहता है। इयान के आरोपों को सुनकर निकी स्तब्ध हो जाता है कि इयान उसके खिलाफ ये कैसे आरोप लगाए जा रहा है। यहाँ तक कि बाकी दो भी इयान की बातों से कंफ्यूज्ड होते हैं। तभी कैमरे की दो हाईकोर्ट लड़कियां केबिन में आती हैं, जिससे इयान पूरी तरह से शर्मिंदा और पश्चाताप में डूब जाता है। अगले सीन में इयान निकी के पास जाता है और अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे नींद और आराम न मिलने की वजह से शायद मैं पागल सा हो गया हूँ। निकी फिर भी उसे माफ कर देता है और ऐसा बर्ताव करता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। ऑस्टिन और मोनिका भी अब दोनों को देखकर खुश हैं, क्योंकि उन्हें भी इयान के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वे हर तरीके से इयान का साथ देने की कोशिश करते हैं। बाद में वे अपना सामान पैक करते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। वे जल्द ही एक चौराहे पर पहुंच जाते हैं। एक रास्ता झरने की ओर जाता है और दूसरा कौरी जंगल की ओर। मोनिका और ऑस्टिन जंगल की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है कि कौरी जंगल काफी सुंदर है। इसलिए अब दोनों ग्रुप अलग हो जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। इयान और निकी कई और घंटों तक चलते हैं। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। एक जगह पर इयान ने फिर से कुछ ऐसा देखा जो उसे डरा देता है, लेकिन उसका डर जल्द ही गायब हो जाता है जब उन्हें खूबसूरत झरना दिखाई देता है। दोनों अपना सफर जारी रखने से पहले इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए कुछ समय लेते हैं। थोड़ी देर बाद पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है और उन्हें एक संकरी सड़क से अपना रास्ता बनाना पड़ता है। इयान निकी को दूसरा रास्ता लेने को कहता है, लेकिन निकी जोर देकर कहता है कि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिर दोनों टॉर्च की मदद से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी निकी फिसलता है और उसके हाथ से टॉर्च छूटी खाई में गिर जाती है। बिना टॉर्च के आगे भी नहीं बढ़ा जा सकता था, इसलिए इयान हिचकिचाते हुए टॉर्च लेने के लिए ढलान से नीचे उतरने लगता है, लेकिन वो फिसल कर नीचे गिरता है। उसी पल इयान अपने बगल में खड़ी एक काली परछाई को देखता है। घबराकर वो अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। मोनिका और ऑस्टिन, जो पास में ही होते हैं, उसकी चीखें सुनकर उसके पास दौड़ते हैं। निकी भी वहां पहुंचता है और इयान के कहने पर वे नीचे देखते हैं, पर वे एक बार फिर कुछ नहीं देखते हैं। केबिन में पहुंचने पर निकी, ऑस्टिन और मोनिका चर्चा करते हैं कि इयान को अब जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकालना चाहिए। चूंकि ऑस्टिन और मोनिका अपने हनीमून पर हैं, इसलिए निकी ये जिम्मा खुद उठाता है। फिर तीनों इयान से इसके बारे में बात करते हैं, जिस पर इयान भी अब राजी हो जाता है। अगली सुबह इयान और निकी शहर की ओर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। वे घंटों घंटों तक चलते हैं। निकी पेशाब के लिए एक कोने में चला जाता है। यहाँ इयान अकेले ये सोचने लगता है कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन जब बहुत देर होने पर भी निकी वापस नहीं आया तो वो उसे आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर इयान धीरे धीरे उस दिशा में जाता है। लेकिन जल्द ही उसे एक खौफनाक मंजर दिखाई देता है जो उसे अंदर तक झकझोर देता है। अगले सीन में इयान हनीमून जोड़े के पास दौड़ता है और उन्हें बताता है कि उसने निकी को मार दिया है। इयान इतना डरा हुआ था कि वो उन्हें ठीक से समझा भी नहीं पाता। अब ऑस्टिन और मोनिका को लगता है कि इयान ने ही निकी को मारा है, इसलिए वे उसे उनसे दूर रहने के लिए कहते हैं। ऑस्टिन अपना चाकू भी निकालता है और उसे दूर जाने की धमकी देता है।
थोड़ी देर बाद जब ऑस्टिन और मोनिका फोटो खींच रहे होते हैं, तभी अचानक मोनिका को कोई एक झटके से अंदर खींच लेता है। ऑस्टिन काफी डर जाता है और मोनिका को ढूंढने लगता है। फिर उसे जंगल के बीच में मोनिका के कटे फटे अवशेष मिलते हैं। वो देखता है कि यान भी वहाँ है, जिससे ऑस्टिन को शक होता है कि यान ने ही मोनिका को मारा है। वो यान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर एक शिकारी के शिकंजे में फंस जाता है। तभी दोनों को वहाँ एक डायनासोर जैसा बड़ा पक्षी दिखाई देता है, जो मोनिका की लाश को खींच कर ले जा रहा था। ऑस्टिन और यान स्तब्ध रह जाते हैं। यान जल्दी से ऑस्टिन को शिकंजे से खोलकर केबिन में ले जाता है। फिर वे सभी दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन वो बड़ा पक्षी केबिन के दरवाजे तोड़कर अंदर आता है। वो अपनी तलवार जैसी चोंच से ऑस्टिन के चेहरे पर वार करता है और उसे मार देता है। पक्षी फिर यान के पीछे जाता है, लेकिन यान उसकी गर्दन पकड़ता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो पक्षी सांस लेना बंद नहीं कर देता। अगली सुबह घायल यान जंगल से बाहर जाने के लिए दौड़ता है। जैसे ही वो पार्किंग स्पॉट पर पहुंचने वाला होता है जहां उसकी कार है, वो देखता है कि वहां एक हाइकर लड़की की लाश पेड़ पर लटकी हुई है। फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर यान को डायनासोर पक्षी के कई अंडे दिखाई देते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि इस जंगल में एक नहीं बल्कि ढेरों डायनासोर जैसे बड़े पक्षी है। डरा हुआ यान वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उस पर एक बड़ा नर हमला करता है। वो यान के पैरों को नोचता है और उसकी जांघ पर वार करता है। जैसे तैसे यान अपनी जींस उतारकर वहां से भागने में सफल हो जाता है। यान तब तक भागता रहता है जब तक वो सड़क पर नहीं पहुंच जाता। फिल्म तब खत्म होती है जब वो एक कार को रोकता है और हताश होकर कहता है, मेरी मदद करो।